नमस्कार, आज हम बनाएंगे मिल्क केक। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2.5 लीटर फुल क्रीम दूध। मैंने यहाँ पे अमूल का फुल क्रीम दूध लिया है, तो इसे मैंने दो अलग अलग कंटेनर पे, दो अलग अलग बर्तन पे आधा आधा कर लिया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे गर्म करने रखेंगे। दो में हमने इसलिए लिया है कि थोड़ी समय की बचत हो जाएगी और ये जल्दी से हमारा मिल्क केक बन के तैयार हो जाएगा। तो इसे हम सबसे पहले मीडियम फ्लेम पे गर्म करने रख लेंगे। साथ ही इसके लिए हमें चाहिए 2 नींबू, इसका हमें रस निकाल लेना है। 1 पिंच हमने लिया है इलायची का पाउडर, ये ऑप्शनल है। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर देंगे। इसमें हम 2.5 लीटर हमने दूध लिया है, तो इसमें हम 250 ग्राम यानी 250 ग्राम शक्कर का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम दूध को मीडियम फ्लेम पे गर्म करने रख लेते हैं। दोनों ही दूध के बर्तन को हमने गैस पे चढ़ा लिया है, फ्लेम अभी मीडियम किया हुआ है और इसे बीच बीच में हमें हल्का सा चलाते रहना है। दूध को हमें आधा होते तक पकाना है, यानी ये हाफ हो जाएगा तब तक पका लेना है। तब तक हमें इसे गाढ़ा करना है। इसे दूध आधा हो चुका है, इसे गाढ़ा करने में 45 मिनट का मुझे समय लगा है। अब हम इसे दोनों को ही दूध को एक ही बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमें चम्मच चलाने में आसानी हो। और अब फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें गाढ़ा करना है। दूध जब 1/3 हो जाएगा तब तक इसे फिर से पकाना है, थोड़ा सा ड्राई होने लगे जब तक, तो इसे चलाते रहेंगे और पका लेते हैं। दूध को हमने एक कंटेनर में शिफ्ट कर लिया था और ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें हम दाना लाने के लिए नींबू का रस डालेंगे। तो गैस अब धीमा कर लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर लेंगे और नींबू का रस निकाल लेंगे, 1 नींबू का। ये हमने 1 नींबू का रस निकाल लिया है, जितना रस है उतना है उसमें हम पानी डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेंगे और उसके बाद इसे हम दूध में फैलाते हुए डाल लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे ही इसे बस 1 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके बाद इसे हम चलाएंगे। 1 मिनट हो गए हैं नींबू डाल के, अब इसे इसी तरीके से चलाएंगे ताकि इसमें से दाना आ जाए अच्छे से जो हमने गाढ़ा किया है दूध। उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे। तो इसमें हमने 2.5 लीटर 2.5 लीटर दूध लिया था, इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी, 250 ग्राम चीनी। देखिए हल्का हल्का दाना आ रहा है इसमें, तो इसे थोड़ा सा और बस 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चला लेंगे, इसके बाद चीनी डालेंगे। देखिए नींबू का रस डालने के बाद इसे हमने और अच्छे से गाढ़ा कर लिया है, काफ़ी दाने इस तरीके से आ चुके हैं। इसमें हम चीनी डाल लेंगे, 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी डाल के इसे और अच्छे से हमें पकाना है, जमने वाली कंसिस्टेंसी तक अच्छे से इसे गाढ़ा कर लेना है। इसके बाद इसे हम जमाएंगे, जिस कंटेनर में हमें जमाना है उसमें हम घी लगा लेंगे और उसे रेडी करके रख लेंगे और इसे कंटिन्यू चलाते जाएंगे, क्योंकि अब ये जल सकता है इसलिए तले पे बिल्कुल ना चिपके और फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे इसी तरीके से चलाते जाएंगे। मिल्क केक बर्फी के लिए जो हमने तैयार किया है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। देखिए किनारे छूने लगा है, बस 1 मिनट और करना है हमें। कंटेनर हमने रेडी कर लिया है, इसके लिए हमने बर्फी जमाने के लिए केक का कंटेनर लिया है। हल्की सी इसमें घी लगा ली है, गैस बंद कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। इसे कंटेनर में डाल लेंगे केक के, फैला के बराबर कर लेंगे और इसे हम जमने रख देंगे। 1 घंटे के लिए हम इसे रख देंगे ताकि ये हमारी बर्फी जो है वो अच्छे से सेट हो जाएगी। इसके बाद हम इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं ऊपर से, मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। तो हमने इसे अच्छे से फैला लिया है, अब इसे हम रख देंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे हो गए हैं, मिल्क केक जो है सेट हो गया है, तो इसे निकाल लेंगे। अब इसे थाली में निकाल लेंगे जैसे उल्टा करके। बहुत ही अच्छे से हमारा मिल्क केक बन के तैयार हुआ है, अब इसे मनचाहे आकार में काट लेंगे। अब लंबाई में कर लेंगे। अब इसे और थोड़ा पतला पतला कट कर लेंगे। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। मिल्क केक बर्फी तैयार है,
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पे जायका विद कुलेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। धन्यवाद।